तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले जो कि का जी एन बी का जो सेकेंड मैच खेले जाने वाले हैं लॉस एंजल क्लिपर्स वर्सेस गोल्डन स्टेट वॉरियर के बीच, यानी कि स्टेपन कैरी वर्सेस केविन लिपार्डो और डैन डी ग्रीन वर्सेस पॉल गैरेज। ये इन आपस में होगी बैटल। तो गाइस ये जो मैच है इसके बारे में आपको मैं पूरी की पूरी नॉलेज दूंगा। इनका क्या लेना रह सकता है और क्या मेरी टीम रह सकती है और क्या आप जीएल में कौन से प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइस इस मैच का अगर पूरी देखने हो तो, और हाँ गाइस मैंने इस मैच की भी वीडियो बना रखी है गाइस, इस मैच के भी आप देख सकते हो वीडियो। इसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जिससे कि आप आसानी से टीम बना सकते हो। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होते तो इसलिए जल्दी से ले चलता हूँ। लेकिन उससे पहले हाँ गाइस, अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ना, मतलब जल्दी से जुड़ जाओ। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर लिंक्स नहीं काम करती तो आपको सीधा आना है और सर्च मारना है PATU PATU KING 11। पतू का पी और किंग का के कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर, आगे 11 रखना है तो आपको ये जो है ये चैनल दिख जाएगा गाइस। तो गाइस ये आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी अपडेट वगैरह होगा सब कुछ दे दूंगा। और हाँ गाइस, आज जो लीजेंड वाला मैच है इंग्लैंड वर्सेस आई थिंक बांग्लादेश ये, तो गाइस इस मैच के चलो इस जो लीजेंड वाला मैच है उसके मैं आपको टीम दूंगा और मुझे लग रहा है कि आज हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो लेना अगर आप पहले वीडियो देख रहे हो। तो गाइस ये देख सकते हैं गाइस, आपको लाइनअप वगैरह टीम सब कुछ मिल जाता है गाइस, या आपको विनिंग टीम्स भी मिलती रहती है गाइस क्लीन स्वीप वाली गाइस। तो जल्दी से जल्दी जो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो इस चैनल को ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपको फ्री में देता हूँ। हाँ मैं टीम फ्री में देता हूँ, ना कि पेड वेड वगैरह। और फ्री की टीम आप एक बार खेल के देखो, आपको नहीं मजा आया तो फिर बोल लेना है, चैनल आप फ्लिप करके जा सकते हो। तो चलिए गाइस देख लेते हैं लाइनअप। तो गाइस लाइनअप में गाइस आपको देख सकते हो गोल्डन स्टेट वॉरियर की तरफ से मतलब कोई ऐसा बड़ा कोई आउट ही नहीं हुआ, सिर्फ जे वाइसमैन जो भी गाइस गेम टाइम डिसीजन है। मुझे जैसे कि मैंने इससे रिसर्च किया है कि मतलब इन ये खेल सकते हैं कल के मैच में, तो गोल्डन स्टेट वॉरियर की तरफ से कोई भी प्लेयर आउट नहीं, सभी प्लेयर खेलेंगे गाइस। और लॉस एंजल्स क्लिपर की तरफ से भी डी ऑर्डर, जो कि जैसे भी इनका कोई मतलब इस प्लेयर को कोई लेगा भी नहीं अगर खेलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके लिए स्टार्टिंग में आर जैक्सन, पी बर्ली, केविन लिपार्डो, निकोलस बंटम, यसी बिकार्ड, इस तरह से डैम ग्रीन, आली वेगन्स, केलाबरो और स्टेपन कैरी, ये स्टार्ट करते मिल जाएगा जे वाइज मैन। तो बस सीधा आपको मैं टीम की तरफ लेके एनालिसिस करके बता देता हूँ कौन सा प्लेयर आपके लिए जेल के लिए अच्छा है, सेल के लिए अच्छा और क्या प्लेयर का किस रिकॉर्ड रह सकता है। गाइज मैं आपको एक बता दूँ, कभी भी सिलेक्टेड पर्सन पर टीम मत बनाए बास्केटबॉल में, हमेशा एक रिस्की टीम के साथ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 मेंबर ही ज्वाइन करना क्योंकि अगर प्रॉफिट मारा नहीं तो वही लिखते। चॉइस पॉइंट गार्ड में आपके लिए स्टेपन कैरी, पी बर्ली, आर जैक्सन, टीमन, जेपोल सभी प्लेयर खेलेंगे। हालांकि ये 2 प्लेयर खेलेंगे लेकिन इनको कोई कोर्ट पर टाइम नहीं दूंगा। अगर टीमन बहुत अच्छा प्लेयर है, हालांकि पिछले मैच में नहीं परफॉर्म किया था लेकिन क्रेडिट भी कम है और अच्छा पावर का अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है। गाइस स्टेपन कैरी जो कि मतलब कोई बताने की बात ही नहीं है, ये प्लेयर क्या लेवल का है। तो गाइस इसको वैसे भी मैं फिर गाइस आपके लिए इसमें गाइस के लिपार्डो और हाँ गाइस के ओबर बहुत, इससे आगे आप दूसरे प्लेयर भी ले सकते हो, निकोलस बंटम हो गया, आली वेगन हो गया क्रेडिट मैनेज करके। लेकिन गाइस के ओबर बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद इसने किया है, मुझे 2-3 मैच इसने क्लीन स्वीप अल्ट्रा क्लीन स्वीप करवाए गाइस। आप क्या बोलो इस, फिर ये ले लूँ गाइज, मैं इसी प्लेयर को लेने वाला था लेकिन थोड़ा इसका मतलब कुछ फिक्स नहीं हुआ था, खेला तो अच्छा पॉइंट दे सकते और नहीं भी। फिर डी ली बैग बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जी एल में, और बी वाटर में ये भी आपके लिए जीएल के लिए बहुत बढ़िया पिक हो सकते हैं, इनको आप ले सकते हो, नीचे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है नहीं। तो मैंने फिलहाल इन दोनों को लिया है गाइज। फिर गाइज स्मॉल फॉर्ड में आपके लिए पॉल गैर, जीपिन सिल्के, बंजारो, यल्ले, ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं, इनको मैं ट्राई करना, सिर्फ 3 में से आपको ट्राई करना जेल है एसएल में। तो गाइज एसएल के लिए आपके लिए पॉल गैरेज और के बंजर गाइज अच्छा खासा प्लेयर है, क्रेडिट भी सेव कर लेता है इसलिए मैंने लिया। पॉल गैरेज को आप रिस्क लेके ले सकते हो, आप यहाँ के इन पर ड्रॉप करके इसको ले सकते हो, फिर आपका 2 क्रेडिट बच जाता है तो इससे आप कोई बड़ा प्लेयर ले सकते हो। लेकिन फिलहाल में पॉल गैरेज इतना अच्छा खास कोई फॉर्म में नहीं हो रहा, जी केन लिपार्डो अच्छे खासे पॉइंट स्कोर कर रही है। तो गाइस पावर फॉर्ड में आपके लिए आली वेगन, निकोलस बैंटम, मॉन्टी मॉरिस, जे टॉय अंडरसन, के लोनली, ये 4 पिक हो सकते हैं, इन 4 में से आपको गाइस ट्राई कर सकते हो किसी भी
मैं फिलहाल जाइटोस्नो एंडरसन को ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए गाइस। मॉन्टी मॉरिस एक बहुत बड़ा प्लेयर शायद हो सकता है जीएल में और एसएल में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। और सेंटर में मैंने डैमगनो आईएसबी को लिया गाइस, तो ये मेरी टीम रहने वाली है गाइस। आप इसमें गाइस पीपीएसपी की बात करते हो गाइस, मेरे लिए पीपी गाइस में इधर स्टेपन कैरी को ही बनाऊंगा और वाइस कैप्टन केन लिपाडो। आप डायमंड ग्रीन को भी, आप गाइस जीएल के लिए आपके लिए डायमंड ग्रीन एक अच्छा चॉइस हो सकता है, एसएसबी का अच्छा। आप अगर आप जीएल में सिर्फ डायमंड ग्रीन को एसपी ट्राई करना, और बाकी पीपी तो यह आप रोटेशन कर लेना, मतलब तीन चार प्लेयर हो गए उनमें से आप रोटेशन करते रह लेना। लेकिन अगर एसएल खेल लो तो एसएल में सेफ ही चार जाना। तो गाइस जिस मेरी टीम हो सकती है बस फाइनल अपडेट लाइनअप वगैरह गाइस और ग्रैंड लीग के टिप्स, और मैं ग्रैंड लीग की टीम से दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ग्रैंड लीग टीम दो भाई, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ग्रैंड लीग की टीम अपलोड कर दूंगा गाइस। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना।